फर्स्ट ईयर में अपना लैपटॉप नहीं होता था, तो यहाँ पे जाके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर आईआईटी के अंदर ना एक्चुअली कोर्स में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्स लेने हैं। तो ये ना ये सामने दिख रहा है, ये विंड टनल है, विंटी बोलते थे हम इसे। ऐसे अंदर से ऐसे मोटिवेशन आता है कि अब मतलब यहाँ पहुँच गए तो बड़ा कर रहा है कुछ। हाँ, ऐसा तो है, सोच के तो ही आए थे अभी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और जैसे कि आपको पता है मैं दिल्ली में हूँ, बट आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। आज हम जाने वाले हैं आईआईटी दिल्ली, वेरी वेरी एक्साइटेड। जैसे कि आपको पता है कि प्रशांत आईआईटी से है, तो आज हम बहुत सारी जो मेमरीज है प्रशांत की वो रीलिव करेंगे, कैंपस का टूर लेंगे। ये जो जिस मेरे पीछे है वो गेट है, अभी उससे हम अंदर जाएंगे। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि जब आप ये सब देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। आज व्लॉग में कंटेंट की कमी ना हो तो हमारे साथ है प्रशांत। हाय प्रशांत, इज स्टिल लुकिंग लाइक अ स्कूल गाय। अभी मैंने प्रशांत के ना यहाँ पे फोटो खींची, मैंने बोला प्रशांत ज़्यादा अंतर नहीं है, यू एक्चुअली लुक लाइक अ स्कूल गाय। थैंक यू। प्रशांत ने लिखा एंटी सोशल, क्योंकि आईआईटी में काफ़ी सारे लोग कम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी एंटी सोशल से होते हैं। बट या आज हम अंदर जाने वाले हैं। प्रशांत, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम लिटिल एक्साइटेड यार, बहुत टाइम बाद में एक्चुअली आया कि यार 10 साल हो गए मेरे को पास आउट हुए हुए, और आई थिंक 5-6 साल हो गए मैं तो एक्चुअली कैंपस में गए हुए। ये और मैं भी जाऊँगी घूमने ऐसी, और हम सोच रहे थे बहुत सारे लोग हमारे साथ जाएँ तो बड़े मज़े आएंगे, बट आई गेस अभी लोग थोड़े से बिजी हैं तो हमने सोचा हम दोनों ही चल लेते हैं। तो लेट्स गो इन। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, ग्रीनरी है भर भर के यहाँ पे। और प्रशांत, कितना चलना पड़ेगा? अगर हम लोग वॉक करेंगे तो काफ़ी चलना पड़ेगा। यहाँ से एक्चुअली वो मेन गेट है, मेन गेट से जो क्लासेस वाला एरिया, जो कैंपस एक टाइप एरिया है, वो तो काफ़ी पास है। तो ये गोल चक्कर है, यहाँ से सीधे जाके कैंपस आता है, यहाँ से उधर को जाके गर्ल्स हॉस्टल वाला साइड आता था पहले, अब पता नहीं हॉस्टल्स का ओरिएंटेशन चेंज हो गया होगा। जो बॉयज हॉस्टल होते थे वो बिल्कुल एंड में आके होते थे, तो वहाँ तक जाना है तो वहाँ के लिए तो बहुत चलना पड़ेगा। तो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दूर दूर एकदम है, एकदम ऐसे अपोजिट एंड ऑफ द बना रखे थे। सही है। बाकी यहाँ पे एक्चुअली कार्स नहीं होती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास हॉस्टल में जो रह रहे हैं, दे कैन हैव साइकिल्स बट दे कैन नॉट हैव बाइक्स और कार्स। ये किनकी होगी फिर ऐसी? ये यार कोई बाहर से आ रहा है उसकी हो सकती है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रह रहा बाहर से पढ़ता है तो ही कैन गेट अ पास टू हैव अ कार ऑन कैंपस, बट हॉस्टल में रह के तुम कार नहीं रख सकते। और जो PhD और वो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं कैंपस में, दे कैन हैव अ कार, प्रोफेसर्स कैन हैव अ कार। हम लोग थोड़ा सा आगे वॉक करके आ गए और ये जो सामने है ये IIT की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। अगर आप IIT दिल्ली ड्राइव करोगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, ये मेन कैंपस बिल्डिंग है और यहाँ पे ऐसे लोग चिल कर रहे हैं। और IIT वाले बहुत पढ़ाई करते हैं प्रशांत, या ओके पढ़ाई करते हैं, या बदनाम है ऐसी की पढ़ाई करते हैं और नहीं पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़ाई करते आई गेस सब टाइप के लोग होते हैं यार, हर जगह नहीं पढ़ाई करने वाले भी होते हैं और पढ़ाई करने वाले भी होते हैं। तो प्रशांत ने कितनी पढ़ाई की थी? मैं ओके करी थी। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए और मैं थंबनेल खींचने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रशांत ने कॉपरेट थोड़ा अच्छे से किया नहीं। प्लीज़ बता देना हमारा थंबनेल अच्छा है या नहीं। और ये जो पीछे वो मेन बिल्डिंग है और वो क्या है सारा? ये सारी यार डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं, तो ये मतलब मेन बिल्डिंग में भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, और क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि आ नहीं पाते तो ये साइड वाली बिल्डिंग्स में भी सारे, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वहाँ है, तो जिस जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ उसके प्रॉफ्स के कैबिन्स, प्रॉफ्स के ऑफिस वहीं होते हैं, लैब्स वैब्स होती हैं। तो ये यहाँ पे है मेन बिल्डिंग, तो है पीछे पीछे बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग है चारों तरफ, उसमें सब में लैब्स हैं, ऑफिस हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जैसे मेरे पीछे है ये बाय द वे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, और प्रशांत वाज टेलिंग मी कि इसी के अंदर प्रोफेसर्स के केबिन होते हैं और क्लासेस भी होती हैं, क्लासेस भी होती हैं, क्लासेस हॉल, क्लास हॉल्स भी होते हैं छोटे साइज के, बड़े साइज इस बिल्डिंग के अंदर भी होते हैं, मेन बिल्डिंग के अंदर और ये साइड वाली बिल्डिंग्स में भी होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जैसे ये इस डिपार्टमेंट में खूब सारी मैकेनिकल की लैब्स होंगी और उधर मतलब ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग होंगे, ये सिर्फ एक नहीं है, इसके पीछे 3-4 बिल्डिंग्स और हैं। और ऐसा होता था कि अटेंडेंस में कि मतलब टाइम से आना होता था, नहीं तो नेगेटिव तो हर जगह आना ही होता था। कुछ प्रोफेसर जैसे रोज अटेंडेंस लेते थे कंपल्सरीली, कुछ ऐसे 10-15 मिनट बाद में भी चला लेते थे, कुछ लोग अटेंडेंस ही नहीं लेते थे, सबकी लगा देते थे प्रेजेंट, तो अलग अलग होते थे। कुछ लोग ऐसे अटेंडेंस कम हो तो उसमें एक ग्रेड कम कर देते थे या फेल कर देते थे, ये सब भी होते थे, तो फिर होते थे अलग अलग। वो यहाँ पे IIT के अंदर ना एक्चुअली कोर्स में क्या पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्स लेने हैं, ये सब कुछ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, जो प्रोफेसर 2-3 क्लासेस ले रहे होते हैं तुम्हारी उन पे डिपेंड करता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है प्रोफेसर को कि वो हाउ ही कंडक्ट्स एवरीथिंग।
मैं ये साइकिल स्टैंड है मैकेनिकल के बाहर में देख रही हूँ, मतलब इतनी सारी साइकिल्स हैं और अभी मुझे रास्ते में भी लोग दिख रहे थे साइकिल चलाते हुए, तो वो काफ़ी खुला है स्पेशल अभी भी नहीं है मुझे लग रहा है गाड़ी वाड़ी। लोगों ने सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में साइकिल्स ली थी क्योंकि साइकिल अलाउड थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने पैदल आना या ऐसे ही आना शुरू कर दिया था, तो हमारी साइकिल्स डिसयूज़ हो गई। मेरी तो खो गई थी कहीं, मतलब कोई चुरा के ले गया था, आई डोंट नो, मैंने एक साल तक ध्यान नहीं दिया साइकिल कहाँ गई, फिर उसके बाद गायब वायब हो गई वो। तो ये ना ये सामने दिख रहा है, ये विंड टनल है, विंड टी बोलते थे हम इसे, तो यहाँ पे मस्त हवा आती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक छोटा सा कनल टाइप इफेक्ट है तो विंड टनल इफेक्ट होता है, इसकी वजह से मस्त हवा आती थी यहाँ पे। जैसे गर्मियों में लोग यहाँ बैठते हैं, सर्दियों में भी लोग बाहर पार्क में बैठे हुए हैं गर्मियों में लोग सारे बच्चे यहाँ अंदर दिखेंगे। तो हम लोग अभी वो जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर आ चुके हैं, और ये जो सामने दिख रहा है दिस इज कंप्यूटर सर्विस सेंटर, और आई थिंक वो एग्जिट है, और ये सेमिनार हॉल है, तो इसके अंदर बड़े इवेंट होते हैं। हाँ, यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं ऑब्वियसली, हाँ, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह इस टाइप की, या फिर कुछ बड़े जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बिठाना हो वहाँ वो सब होता है, क्योंकि बड़ा, और यहाँ पे जिसमें ऐसे क्लासेस हो जिसमें बहुत सारे बच्चे को लेक्चर देने हो तो वो भी यहाँ पे होता है। ये सामने कंप्यूटर सर्विस सेंटर है, मेरे को ऐसे याद आ गई क्योंकि फर्स्ट ईयर में अपना लैपटॉप नहीं होता था, तो यहाँ पे जाके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट ईयर में बच्चे को लैपटॉप नहीं होता, आजकल आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ इज केस, बट तो यहाँ पे जाके यू कैन यूज़ दैट। सेवन फ्लोर तक बिल्डिंग जाती है ऑब्वियसली, यहाँ लिफ्ट है, सेवन फ्लोर पे लेक्चर हॉल्स भी हैं, तो कभी कभी हमारी एक आध क्लासेस होती थी सुबह सुबह 8 बजे, एक क्लास होती थी हमारी सुबह सुबह 8 बजे होती थी टॉप फ्लोर पे, और उसमें मैम अटेंडेंस भी लेती थी 8 बजे की, तो यहाँ पे सुबह 8 बजे पौने 8, 7:50 पे लाइन लगी होती थी और लोग फ्रॉड मचाने की भी कोशिश करते थे, एक फ्लोर ऊपर जाके नीचे वाली लिफ्ट से आ जाओ और फिर वहीं घुसे रहो ताकि लिफ्ट में नंबर ना लगाना पड़े, वरना 7 फ्लोर चढ़ के भाग के जाना पड़ता था। प्रशांत वाज टेलिंग मी कि ये जो जगह है जो अब एकदम कैफे में कन्वर्ट हो चुकी है, ये पूरी जगह पहले एग्जामिनेशन हॉल होता था और यहाँ पे एग्जाम्स होते थे, तो चीटिंग होती थी प्रशांत थोड़ी बहुत होती थी यार डिपेंड्स की कौन एग्जामिनर है और कितना स्ट्रिक्ट है, कुछ लोग तो भाई एग्जाम वो लेके जीरो कर देते थे, हाँ, कुछ लोग कर देते थे, यहाँ से ऊपर इसका सेकेंड फ्लोर और एंग अबव जाने का रास्ता है, जैसा कि अगर तुम्हें लिफ्ट नहीं मिले और भाग के जाना हो तो। तो ये ना जेरोक्स कॉपी सेंटर है, मतलब ऑब्वियसली दिख ही रहा है, तो यहाँ से हम लोग सब लोग 50 पैसे की फोटो कॉपी कराते हैं, जो कि बहुत सारी करानी होती थी क्योंकि लेक्चर लोगों के अच्छे, जिन लोग अच्छे से लेक्चर के नोट्स लिखते थे उनकी कॉपी करानी है, बुक्स की फोटो कॉपीज करानी है, और इधर यहाँ पे स्कूप्स करके है, स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्कूप्स बोलते थे हम लोग, हर चीज़ के शॉर्ट फॉर्म होते थे, तो यहाँ पे एक सस्ते में सामान मिलता है बेसिकली, सब्सिडाइज्ड है वो, तो यहाँ पे सब बुक्स कॉपीज पेन्स वगैरह सब कुछ जो भी स्टेशनरी का सामान है वो सस्ते में मिलता है। आई कैन सी इट फ्रॉम हियर, सो ये है जो प्रशांत जिसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ तो स्टेशनरी शॉप है जिसमें सस्ता सामान मिलता है, और बाय द वे ये जो है ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो ये भी काफ़ी कूल लग रहा है, जैसे कि मैं बता रहा था ना बहुत सारे ब्लॉक हैं, तो वो पीछे देखो पीछे तक हैं, दिस इज ब्लॉक 2 एंड दिस इज लाइक 6-7 तक है पूरा पीछे। ऑडिटोरियम यहाँ से और इस ऑडी का नाम है डोगरा हॉल, राइट? और कुछ पे भी जाते थे रात को, ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, लोग ऐसे रात को छत पे जाते थे और वो कैंपस की मेन बिल्डिंग की छत पे जाते थे छिप के गार्ड आता था फिर उसका भगा देता था हमें, उसकी छत पे तो मैं भी गया हूँ, इधर वाले में हमने क्राई नहीं मारी। और हाँ, ये वाला ATM होता था यहाँ पे, इसमें कभी भी पैसे नहीं होते थे मेरे को याद है, निकालते कैसे थे ऐसी, अरे भाई फिर किसी कहीं हमेशा पैसे खत्म हो जाते थे यहाँ पे, मेरे को ये याद है। Thank you.
तो अभी हम लोग इसके अंदर गए थे और बड़े मजे आए देख के, और प्रशांत वाज टेलिंग मी सम स्टोरीज एंड काफी सारे लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था गिरने वाले हैं, सो रहे थे, एग्जाम्स वगैरह होंगे ना या प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे होंगे। हाँ सही है सही। और मोस्टली लोग चतुर होते हैं रैंचो होते हैं या दोनों होते हैं? चतुर भी होते हैं रैंचो भी होते हैं और शर्मन जोशी और माधवन भी होते हैं मतलब। सो दिस इज़ फॉर द मेमोरी। हम लोग यहाँ से हम लोगों ने एक पफ पेस्ट्री पैटीज ली और ये भी इसकी थी राइट, हमारे टाइम पे 5 रुपए की थी और बदली थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है। फीस फीस यार हमारे यहाँ 26,000 पर सेमेस्टर का ही होती थी जहाँ तक मेरे को याद है। आई थिंक अब कुछ 2.5 लाख पर सेमेस्टर पर ईयर हो गई है, यानी 2.25 लाख पर सेमेस्टर के, बिकॉज 4-5 टाइम हो गई है। महंगाई। तो पेट पूजा हो गई है और हम काफ़ी ज़्यादा घूम लिए, अब हम सोच रहे हैं कि हम रिक्शा में जाएंगे और हम लोग रिक्शा में सीधा जाएंगे हॉस्टल राइट। हाँ। और ये जो पीछे है यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ कुछ खेलते रहते हैं। अभी मैं किसी से मिली थी, उसने मुझे बताया था कि अभी कुछ तो कॉम्पिटिशन भी चल रहा है इंटर IIT का। साल में एक बार होता है एक बार? तो बेसिकली साल में एक बार इस समय IIT के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, वो किसी को एक IIT होस्ट करता है। लकीली इस बार IIT के लिए होस्ट कर रहा है तो हम इस समय आए हुए हैं, अभी होने वाला है कल से शुरू। तो उसमें IIT के भी एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं सारे, मतलब फुटबॉल मतलब वट एवर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सारे उनके होते हैं। मुझे 3 लोग और मिले। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कौन सी क्लास में हो, मतलब कौन सी फर्स्ट सेमेस्टर? तो कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है। मम्मी पापा सेट हैं एकदम? हमारा बेटा जा रहा है IIT में चला गया। IIT में तो मजे ही। पढ़ाई का प्रेशर कितना रहता है? बहुत ज्यादा है। सच्ची बहुत ज्यादा। तो बैक बैक आनी शुरू हो रही है लोगों की? अभी नहीं, जैसे 6 महीने का कोर्स था, 3 महीने में कर दिए तो ज्यादा। ये देखो ये चैंपियन को देखो हमारे, ये माइनस आ रहे ना तो वही काफी ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। अच्छा, और ऐसे ऐसे अंदर से ऐसे मोटिवेशन आता है की अब मतलब यहाँ पहुँच गए तो बड़ा घट रहा है कुछ? हाँ ऐसा तो है, सोच के तो ही आए थे, अभी देखते आगे क्या होता है। ओके थैंक यू। हम लोग एक रिक्शा में बैठे और भैया मुझे बता रहे थे कि जो भैया है वो सिर्फ IIT के अंदर ही चल सकते हैं, बाहर नहीं। और भैया थोड़ा अलग भी है क्या रिक्शा बाकी रिक्शा से? है ना, तो यहाँ पे हम लोग मैं और प्रशांत आगे बैठे हैं और 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं, तो इट्स लाइक अ कार्ट, तो वो काफ़ी कूल है। अभी हम लोग टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस रोड जा रहे हैं जहाँ पे हॉस्टल शुरू है। काफ़ी दूर है प्रशांत, वॉक करना पड़ता होगा ना? कूल, वॉक करो या साइकिल से जाओ, 20 मिनट लगते थे हमें हॉस्टल टू कैंपस पहुँचने में वॉक करते करते। की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि अब हम पहुंच गए बॉयज हॉस्टल के बाहर। और यहाँ पे आई थिंक काफी सारे हॉस्टल्स हैं, 5, 7, 8 प्रशांत वाज टेलिंग मी बहुत सारे हॉस्टल हैं। ऐसे लाइन से 4 हैं हॉस्टल्स और उधर 5, 6, 7 7-8 उधर हैं और पीछे 1-2 नए बन चुके हैं मेरे जाने के बाद से, तो आई गेस 8-10 हॉस्टल होंगे इधर बॉयज हॉस्टल एरिया में। और यहाँ पे हॉस्टल की खास बात यह है, अगर आप नाम देखोगे ना, काराकोरम नाम है, सारे हॉस्टल्स के नाम माउंटेन रेंजेस के ऊपर है, काराकोरम, नीलगिरी, ज्वालामुखी, अरावली। व्हाट वाज योर हॉस्टल नेम? मेरा हॉस्टल का नाम था नीलगिरी। नीलगिरी, ओके, ऑलमोस्ट हॉस्टल नीलगिरी है। चलो अभी जहाँ हम खड़े हैं दिस इज़ बाय द वे नीलगिरी हॉस्टल और ये प्रशांत का हॉस्टल था। और हर हॉस्टल की अलग अलग मेस होती है, तो यहाँ पे मेस भी है, बट क्योंकि यहाँ पे दूसरे जेंडर को जाना अलाउड नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। और एक मेस है, एक कॉमन एरिया है और लोगों के रूम्स हैं और एक वार्डन का घर है पड़ोस में, तो यही होता है हर हॉस्टल में 4 चीज़ें होती हैं। और मम्मी पापा अलाउड थे फर्स्ट डे प्रशांत हॉस्टेलिंग में? बस मम्मी बेसिकली बस फर्स्ट डे अलाउड थी, उसके अलावा यूजुअली मतलब बंदियों को अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। और पापा आ सकते थे ऑब्वियसली, विद पापा चेक करने आ सकते थे कि लड़का क्या कर रहा है, ऐसे लाइक सरप्राइज नहीं बट शेड्यूल विजिट्स आर अलाउड। हां मतलब कोई बता के आ सकते हो, बाकी यूजुअली अपने यहाँ पे हॉस्टल में एक अच्छी चीज ये होती है, देयर इज नो कर्फ्यू आवर्स, तो इवन लाइक रात को 2 बजे भी तुम्हें बाहर जाना हो तो नोबडी स्टॉप्स यू, देयर इज नो कर्फ्यू आवर्स और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपको इस व्लॉग का पार्ट 2 देखना है तो बता देना, वी आर हियर फॉर सम टाइम इन केस यू वांट टू सी यू नो हैविंग अ कन्वर्सेशन विद पीपल हियर और समथिंग व्हिच इज सुमिला, तो मुझे जरूर बताना। मुझे अपना नाम बताओ सबसे पहले। Hi, I'm Abhishek Singh. I'm Shitish. अच्छा मुझे बताओ, what is it like to study in IIT? कैसा लगता है? Surviving in hell. Surviving in hell? Oh my god. क्यों? ऐसा क्या हो गया? Exactly, yeah. That's how they treat us. Oh mama. अब बताओ, what is it like to study in IIT? Yeah, it feels amazing. Like, yeah. We also like learn here how to cope up with the pressure. Pressure बहुत ज़्यादा है. Yeah. Very much. हाँ. आप बताओ कैसा लगता है? No, like if you're really interested in the subject, then the professors and everything are amazing. But they really make the work really hard.
सो मतलब बैंड बजाइए अगर आप आओगे, बट सब बैंड बजाने के लिए आते हैं यहां पे जब आ जाते हैं दे सेड बट इन अ डिफरेंट वे, बट सच्चाई कभी-कभी कड़वी होती है. आई वॉज आस्किंग प्रशांत कि इतना बड़ा रूम होता है तो बहुत सही है. देन प्रशांत टोल्ड मी कि ये हॉस्टल का रूम है, ये वार्डन का रूम है. और मतलब हॉस्टल वालों को तो जितना बालकनी है ना उतने पर पर्सन उतनी जगह मिलती है. तो शुरू में तो शायद रूम सेम होता है ना, मतलब लास्ट फाइनल ईयर में हमें अलग रूम मिलता था, बट उससे पहले तो रूम सेम ही होता था. हमारे टाइम पर एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए थे और हॉस्टल स्पेस इतना नहीं था, तो थोड़ा हमें थोड़ा लेट सिंगल रूम मिला था. यूजुअली थर्ड ईयर में मिल जाता है सिंगल रूम. एक सवाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, लेकिन जब आईआईटी पहुंच जाते हैं आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है? होती है या फिर ये सिर्फ सुपरफिशियली है? आईआईटी पता, आईआईटी आने से पहले ना फोबिया होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है कि आईआईटी जाना है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, लाइक ना रिसर्च एनवायरनमेंट होगा, एक लाइफ होगी. पता यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ लगता नहीं इतना खास, लाइक लाइफ है, डेफिनेटली लाइफ है, रश रहता है, हॉस्टल लाइफ अच्छी है, रिसर्च लाइफ अच्छी है, पर कहीं ना कहीं ना पर्सनल लाइफ भी मिस करते हो यहाँ आकर के. लाइक जैसे हॉस्टल लाइफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सच्ची? हाँ, हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अब जाके अपने शाम को क्रिकेट खेलना वहीं गली में, बैडमिंटन खेलना हॉस्टल में, पार्टी करना, बर्थडे पार्टी करना, दारू पीना, ठीक है, वही जीपीएल करना बर्थडे पे दोस्तों के साथ. वो शोर शराब होता है ना, जैसे क्रिकेट मैच आता है कोई तो रात में सब एक साथ बैठ के ग्रुप में देखते हैं, इतना सारा जैसे वर्ल्ड कप आता है ना, तो बड़ी स्क्रीन लगा के पूरा हॉस्टल में देखते हैं, तो वो बहुत एक्साइटिंग होता है. वो नॉर्मल जगह बहुत मिस करते हैं. तो आईआईटी में उसके साथ साथ आईआईटी का एक मतलब एक क्रॉस ये है कि यहाँ पे रिसर्च एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली और जगहों से काफ़ी बेटर है. लैब्स वगैरह अच्छी हैं, क्रॉप वगैरह अच्छे हैं, मतलब सोल्यूशन है. जैसे बाहर हम लोग रहते थे, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, हमें आंसर्स नहीं मिलते. यहाँ क्या है, यहाँ इतना तगड़ा एलुमनाई है, सब कुछ, लोग इतने अच्छे, एनवायरनमेंट है, क्रॉप इतने बढ़िया, यहाँ सब कुछ है. क्वेश्चन पूछो, क्रॉप दे देगा आंसर, साथ के आपके कलीग्स दे देंगे, लोग दे देंगे आसपास के. तो इस मामले में बहुत अच्छा. प्रेशर कितना होता है, मतलब ऐसे हाई वॉल्यूम प्रेशर के, मतलब दिमाग 4 साल या 5 साल फटे जाता है? मुझे लगता है ना प्रेशर मैन टू मैन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन. कितना लेते हो आप? मैं बिल्कुल बहुत किलो. ये है बाबा, इनसे कुछ सीखिए और लाइफ में झटपट आराम पाइए. एंड विद दिस आर IIT दिल्ली व्लॉग कम्स टू एन एंड. आई एम होपफुल कि आपको मजे आए होंगे. मुझे ऑनेस्टली बड़े मजे आए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हम घूमे और स्पेशली प्रशांत ने अपनी बहुत सारी मेमोरीज रिलीव की. और नॉस्टैल्जिया हो गया काफी. और प्लीज़ बताना व्लॉग में कमेंट सेक्शन में कि आज प्रशांत का परफॉर्मेंस कैसा अच्छा था. मैंने आज प्रशांत को पेल दिया कॉन्टेंट के लिए, बट इट वॉज नाइस. मतलब आई थिंक मज़े आए आज काफ़ी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो. बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने इंस्टाग्राम पे अलग से डाले तो वो देख लेना. प्लीज़ टेक केयर. टाटा.